अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइडलाइंस ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम। दिस बुक इज KLM एंड एडिशन इज 7th। दिस पेल्विस एंड पेरिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पेल्विस एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस पेरिनियम। If we talk about TOS, pelvis carries one UQ and two MCQs. It means it is important. What is pelvic girdle? This is important. What are the functions of pelvic girdle? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं. Diagrams is are only for your concept. If you have enough time, then you must have to consult it. Bones and features of pelvic girdle. This is also important for your viva question. This is your MCQ. ILM की shape क्या होती है? Fan shaped होता है. This is your इंपॉर्टेंट यू क्यू एंड दैट इज ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन, दैट इज पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक आउटलेट। इनके बाउंड्रीज आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्यूबिक आर्च क्या होती है? ये देखो, ये है जी पेल्विक आउटलेट। इसकी बाउंड्रीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वट इज ग्रेटर पेल्विस एंड वट इज लेसर पेल्विस, दिस इज ऑल्सो योर इंपॉर्टेंट यू क्यू एंड ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्रो आइलियक ज्वाइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। दिस डायग्राम्स इज ऑल्सो फॉर योर कॉन्सेप्ट। कंपेरिजन ऑफ मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा एस सी क्यू एंड एम सी क्यूज। ये आपको फोरेंसिक में भी आपके काम आएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आगे है वॉट इज प्यूबिक सिम्फिसिस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, लिगामेंट्स कौन से होते हैं? सेक्रो आइलियक लिगामेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम भी अक्सर पूछते हैं। लंबो सेक्रल ज्वाइंट की अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके आपको आइलियो लंबर लिगामेंट्स पता होना चाहिए, वाइवा क्वेश्चन है। सेक्रो कॉक्सीजियल ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट्स ऑल आर योर वाइवा क्वेश्चन। अगर आपसे रिटर्न में नहीं पूछते तो इट इज़ कंपल्सरी दे कैन आस्क इन योर वाइवा क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल के व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स, तो वेरिएशंस इन मेल एंड फीमेल पेल्विस, ये आपको पता होना चाहिए। गाइनिकॉइड पेल्विस क्या होती है? प्लेटिप्लॉयड एंड्रॉयड पेल्विस, दीज आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पेल्विक डायमीटर जस्ट रीड कर लो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। वही दिस इज कॉन्टिन्यूएशन। पेल्विक फ्रैक्चर्स को आपने रीड करना है अच्छा सा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट। रिलैक्सेशन, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लो, ठीक है। ये रीजन बहुत लंबा है, इसको ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपने इसको एक अच्छी रीड देनी है और अच्छे से जो इम्पॉर्टेंट यू क्यूज एस सी क्यूज एंड एम सी क्यूज हैं उन पर फोकस करना है। नाउ वी डिस्कस पेल्विक कैविटी। अच्छा, पेल्विक कैविटी क्या होती है? इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? फनल शेप्ड होती है, यह आपने अच्छे से रीड करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट वाइवा एंड यू क्यू, दैट इज वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी। इसकी एंटीरो इन्फीरियर पेल्विक वॉल, लेटरल वॉल कौन बनाता है, यह आपने देखना है। अच्छा जी, पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट है पेल्विक फ्लोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा एंड एससीक्यू क्वेश्चन। अक्सर पूछता जाए कि कौन कौन से मसल्स हैं दैट फॉर्म्स पेल्विक फ्लोर, और कॉक्सीजियस मसल कौन सा होता है, लिवेटर एनआई मसल कौन सा होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको अटैचमेंट्स की समझ नहीं आ रही तो आप इधर से देख सकते हो, ये भी मसल्स ऑफ पेल्विक वॉल एंड फ्लोर हैं, वो डायग्राम्स हैं। दिस इज टेबल, इसमें देखो फ्लोर कौन सा बनाते हैं, मसल्स कॉक्सीजियस एंड लिवेटर एनआई, दिस इज इंपॉर्टेंट एस सी क्यू क्वेश्चन, ठीक है जी। पिरीफॉर्मिस आपको पता होना चाहिए, कौन सी बाउंड्री बनाता है। ऑब्चुरेटर इंटरनस कौन सी बाउंड्री बनाता है, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। पेल्विक डायफ्राम आपको देख लो, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्यूबो रिक्टैलिस एंड प्यूबो कॉक्सीजियस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिवेटर एनआई के। बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज अटैचमेंट ऑफ लिवेटर एनआई मसल एंड व्हाट आर इट्स पार्ट, तो ये आपको अच्छे से देखने हैं आपने। एनोकॉक्सीजियल बॉडी कौन सी होती है, ये थर्ड पार्ट होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। इलियोकॉक्सीजियस क्या होता है, ये भी पार्ट है लिवेटर एनआई का, ये भी आपने देखना है, ये अच्छे से आपने एक रीड दे लेना लिवेटर एनआई को, वैसे तो टेबल इज इनाफ। पेरिटोनियम एंड पेरिटोलियल कैविटी ऑफ पेल्विस, इसको एक अच्छा सा रीड दो, जो मैंने हाईलाइट फॉर्म में लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दिस इज रेक्टो यूट्राइन फोल्ड्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यू एस सी क्यू, ठीक है, ये आपने देख लेना। दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट। दिस टेबल इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बाकी ये सारा आप रीड करो। व्हाट इज पेल्विक फेशिया, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मेम्ब्रेनस फेशिया क्या होता है, इसकी टाइप्स होती हैं फेशिया की, पैराइटल पेल्विक फेशिया, विजरल पेल्विक फेशिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से देखना है।
अच्छा जी, एंडोपेल्विक फेशिया लूज एंड कंडेंस, दिस इज़ योर एमसीक्यू एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एससीक्यू। ये आपने देख लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट। हाइपोगैस्ट्रिक शीथ क्या होती है, ये आपने अच्छे से देखना है, दिस इज़ फॉर योर कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ब्लैडर के अगर आप बात करो तो ब्लैडर के आपने ये लिगामेंट्स देख लेने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, हम एज सच इसको इतना ज़्यादा रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिस होल रीजन कैरीज ओनली टू यूक्यूज, पेल्विस कंटेन्स वन एंड पेरिनियम कंटेन्स वन। तो इसलिए आप इसको सिर्फ एससीक्यूज और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करो। पेल्विक कैविटी के दीज आर क्लिनिकल्स, जस्ट रीड कर लो अच्छे से, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी मोर एमसीक्यूज कवरेज या मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेडिकल ग्लोब की एक बहुत अच्छी बुक है, दैट इज़ पास्ट एमसीक्यूज एंड यूक्यूज क्रैक। आप उसको कंसल्ट करो, उसको देखो, उसको पढ़ो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके, Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ace your Viva. Besides this, chapter pulls are also given, histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 663 3007. Thank you.